उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पंचायत चुनाव मतगणना के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाए, बावजूद इसके प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। देखिए लाइव 24 की रिपोर्ट। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है, जिस तरीके से एक साथ में लोग खड़े हैं। एक्चुअली काउंटिंग में चूंकि थोड़ी सी संख्या ज्यादा है, लेकिन प्रयास ये किया जा रहा है कि हम लोग माइक का इस्तेमाल करके जिन बूथ की काउंटिंग हो रही केवल उन्हीं को बुलाया जा रहा है, बाकी लोगों को पीछे कुर्सियां पड़ी हैं, अगर ज्यादा लोग हैं तो उनको कर दिया जा रहा है, अदरवाइज लोग बाहर से ही आने पे उनको रोका जा रहा है। पुलिस व्यवस्था इस काम में सहयोग कर रही है। बीच में एक बात आई थी कि कोविड की रिपोर्ट लेके आएंगे तब्दील करोगे, लेकिन फिर उसको रद्द कर दिया गया। नहीं, उसमें देखिए चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश ये था कि रिपोर्ट हो या फिर जो है वो हम लोग हेल्प डेस्क बना लिए हैं जहाँ पर टेम्परेचर लिया जा रहा है, उनका ऑक्सीमीटर लिया जा रहा है, अगर उसमें कोई ऐसी चीज आती है तो उनको रोक दिया जा रहा है, अदरवाइज उनको प्रवेश दिया जा रहा है। देखने को मिला है कि कई कोविड के भी जो पेशेंट आ गए हैं जिनको आपने चिन्हित भी किया, एक दो लोगों को आपने चिन्हित करके किनारे भी। नहीं, वो स्वयं नहीं थे, उनकी सिस्टर आई थी तो ड्यूटी कराने के लिए आए थे, तो उनको बता दिया गया आप बैठिए, जैसे जोनर साहब आएंगे और हम लोग एक बार बात करके उसको कर दिए, तो हम लोग उसको छोड़ भी दिए हैं। और भी क्या इस तरीके के लोग हैं? अब मेरे संज्ञान में ऐसा एक केस आया था, उसको हम लोगों ने छोड़ भी दिया है, और एक केस सुबह ऐसा आया था जिसके फादर की डेथ हो गई थी, तो वो भी ड्यूटी में थे, उनको भी हम लोगों ने छोड़ दिया। अच्छा, मतगणना के लिए जो एजेंट हैं इनमें क्या कोई पारदर्शिता इस तरीके से की गई या जांच पड़ताल की गई? किस तरीके की? कोविड के उनके परिवार में कोई नहीं है या उनकी कोई? नहीं, बस उनका जो लोग आ रहे हैं उनका बस हम टेम्परेचर ले रहे हैं, टेम्परेचर उनका ले रहे हैं, ऑक्सीमीटर से ले रहे हैं, यही चीजें देख करके हम, और मास्क लगाए, यही निर्देश है। तिरसरी पंचायत चुनाव को मतगणना के लेकर के यहाँ पे चल रहा कार्यक्रम, यहाँ पे सदर ब्लॉक लखीमपुर खीरी के धर्मसभा इंटर कॉलेज में हम पहुँचे। यहाँ पे जैसा कि जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को लेकर के वादा किया था कि हम पूरी तरह से सारे इंतजाम करेंगे, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रॉपर वो होगा, बावजूद उसके यहाँ पे किस तरह से काउंटरों पे भीड़ लगी है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबकि कोरोना अपने चरम पे है और कहर ढा रहा है, बावजूद उसके प्रशासन की क्या तैयारी है, किस तरह से यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और काफी लोग जद्दोजहद में थे जब काउंटिंग शुरू हुई, उस समय भी कोई इनकी तैयारियां नहीं थी, ये टेबलों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहे थे, इसलिए जो इनके एजेंट है वो भी बेचारे परेशान थे, मारे मारे घूम रहे थे, कहीं कहीं ये प्रशासन की लाचारी, प्रशासन की लापरवाही इसमें नजर आ रही है, और बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन ये नहीं करा पा रहे हैं और पब्लिक भी मानने को तैयार नहीं है। अब देखना ये है कि क्या ये प्रशासन इस व्यवस्था को दुरुस्त कर पाएगा। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह के साथ अनिल सिंह राणा, लाइव 24 लखीमपुर खीरी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।